फ्रेंड्स, मैं हूं मीनू। मेरे चैनल एमके में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं ये कस्टर्ड आइसक्रीम। ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। कस्टर्ड आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये कस्टर्ड पाउडर लिया है। अब हम इसका पहले एक घोल तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे ये एक बॉल लिया है। अब इसमें 2 से 3 बड़ी चम्मच ये हम कस्टर्ड पाउडर इसमें डालेंगे। और यहाँ पे मैंने ये दूध लिया है और ये मेरा एकदम ठंडा दूध है। आप ठंडा दूध ही इसमें डालें जिससे कि ये कस्टर्ड पाउडर में आपको ये बनाने में गुठली ना हो। ये मेरा पेस्ट तैयार हो गया। 500 ml दूध है, मैं इसको डाल देंगे और दूध को बॉयल होने देंगे। ये दूध मेरी अच्छे से बॉयल हो चुकी है। अब जो ये कस्टर्ड पाउडर का हम पेस्ट तैयार किए थे, तो आप पहले एक बार इसको अच्छे से चला लें क्योंकि नीचे में ये तले में थोड़ी बैठ जाती है। तो एक दो बार ऐसे चला लें जिससे कि ये अच्छे से मिल जाए। अब हम एक हाथ से इसमें धीरे धीरे डालेंगे और चलाते जाएंगे जिससे कि आपके ये गुठली ना बने। हम ये शुगर डालेंगे, 3 से 4 बड़ी चम्मच इसमें हम यहाँ पे शुगर डालेंगे और तब तक पकाना है थोड़ा कि ये गाढ़ा ना दूध हो जाए। गाढ़ा हो गया है तो आपको पता कैसे चले कि ये गाढ़ा हुआ है? तो आप एक स्पून ले, इसमें उल्टा करके अच्छे से कोट कर दें और ये थोड़ा जब चम्मच में अच्छे से कोट हो जाए तब आपको समझ में आ जाएगा तो ये गाढ़ा हो चुका है। तो चलिए अब हम गैस को बंद कर दे रहे हैं और इसको हम ठंडा होने देते हैं। कस्टर्ड पाउडर का मिक्सचर मेरा ठंडा अच्छे से हो गया है। अब यहाँ पे हम एक ये बॉल लिए हैं। अब ये जो मिक्सचर मैंने तैयार किया था अब हम बॉल में डाल देंगे और इसको आप 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में आपको इसको रखना है। अब हम इसमें लिड लगा देंगे और 2 से 3 घंटे के लिए हम फ्रिज में इसको रख देंगे। घंटे हो गए, उसको मैंने फ्रिज से निकाल लिया है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक बॉल लिया है और ये 1 कप मेरा क्रीम है। अब हम इस बॉल में इसको डाल देंगे और क्रीम को बीट करेंगे। अब हम क्रीम को बीट करेंगे तो सबसे पहले इसको हम हाई स्पीड पे क्रीम को बीट करेंगे, उसके बाद लो स्पीड पे। अब यहाँ पे 2 बड़ी चम्मच हम ये शुगर पाउडर डाल रहे हैं, तो ये 1 बड़ी चम्मच और ये 2 चम्मच बीट कर लेंगे लो स्पीड पे। अब जो ये कस्टर्ड का पाउडर का मैंने मिक्सचर तैयार किया था अब हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे लो स्पीड पे हम बीट करेंगे। ये देखिए, क्रीम अच्छे से बीट हो गया है। अब यहाँ पे ये वेनिला एसेंस है, आधी छोटी चम्मच ये वेनिला एसेंस हम डाल रहे हैं। कलर है यहाँ पे, आपकी इच्छा है तो आप दे सकते हैं या तो नहीं दे सकते। तो हम यहाँ पे एक पिंच इसमें ये फूड कलर डाल रहे हैं। फिर से इसको अच्छे से बीट कर देंगे और मिला देंगे। आइसक्रीम सेट होने के लिए मैंने यहाँ पे एक कंटेनर लिया है और ये डिस्पोजल आपको कंटेनर है। इसमें भी ये रबड़ी का मैंने खाया था तो ये मैंने इसे रख लिया था वाश करके। आप इसमें भी बहुत अच्छे से आइसक्रीम इसमें जमती है, तो आप इसमें जमा के देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसमें ये आइसक्रीम का जो ये मिक्सचर है अब हम पोर कर देंगे। ये देखिए, मैंने फिल अच्छे से कर दिया है। अब इसका हम लिड लगा देंगे। ये देखिए, मैंने लिड अच्छे से लगा दिया है। अब इसको आप 6 से 8 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में इसको रख दें या ओवरनाइट आप इसको रख दें। चलिए अब हम इसको सेट होने के लिए छोड़ देते हैं। मैंने इसको फ्रीजर से निकाल लिया है और 6 से 7 घंटा हो भी गया है और ये देखिए अच्छे से जम गया है। ये डिस्पोजल में भी अच्छे से जम गया है। आइसक्रीम को कट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे ये स्कूप लिया है, स्कूप से हम इसको कट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ये आइसक्रीम बॉल लिया है, अब इसमें हम इस आइसक्रीम को डाल देंगे। मेरे पास ये रेड कलर की टूटी फ्रूटी थी, इससे इसको हम डेकोरेट कर देंगे। ये मेरा कस्टर्ड आइसक्रीम बनके तैयार हो गया। तो ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।